नमस्कार, आप दुनिया तक पर लाइव हैं और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। सर, जानना चाहेंगे कि राफेल पे अचानक इतना बवाल क्यों, मतलब कुछ? देखिए, कांग्रेस राफेल के मुद्दे को बार बार उठाने का प्रयास कर रही है पर निकल कुछ नहीं रहा है। सर, अगर कांग्रेस बार बार सवाल पूछ रही है कि अनिल अंबानी जी को की कंपनी को क्यों दिया गया, क्यों ऑर्डर दिया, टेंडर दिया गया एचएल से हटाकर, तो इसमें सर बड़ी आश्चर्य की बात है, किसने दिया है टेंडर? डेजर्ट एविएशन ने दिया है, भारत सरकार ने नहीं दिया है। भारत सरकार का यह समझौता फ्रांस की सरकार के साथ है। ये डिफेंस डील ऐसी है जो भारत सरकार की किसी कंपनी के साथ नहीं है जैसी उनके जमाने में होती थी। ये भारत सरकार की फ्रांस की सरकार के साथ है। फ्रांस की सरकार ने उस कंपनी से डील किया, कंपनी ने यहां अपना पार्टनर चुना, इसमें भारत सरकार कहां बीच में आती है? और मैं एक और बात कहूंगा, मैं एक मूलभूत सवाल उठाता हूं। सवाल यह है कि इतने सालों में वो देश जो मंगल तक जाने वाला मंगलयान और चंद्रमा तक जाने वाला चंद्रयान बना सकता था, वो लड़ाकू जहाज क्यों नहीं बना सकता था, फाइटर प्लेन? क्यों? क्योंकि वो नीति नहीं अडॉप्ट की गई। हमारी सरकार ने आने के बाद वो नीति बनाई है और इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा था कि जैसे 60-70 साल में हम सैटेलाइट तो बना सकते हैं पर जहाज नहीं बना सकते, खरीदते रहेंगे, डील होती रहेगी। अब उन्हें लग रहा है शायद आगे रास्ता मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।